एक्शन। कैरेक्टर जिसमें हम अपने आप को देखें, स्टोरी और कॉन्सेप्ट जो यूनिक हो एकदम, जो आपको आखिरी एपिसोड तक हिलने ना दे, सिर्फ इंडियन वेब सीरीज में मिलेगा। आउच करने वाली फिल्में दिखाओ तो पागल हो जाते हैं। अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 16। कुछ हटके और यूनिक जिससे आपका दिल खुश हो जाए और रिलेशनशिप का यूनिक कॉकटेल। मीट क्यूट मतलब जब दो अजनबी पहली बार अचानक मिलते हैं। दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पॉइंट के साथ 2022 की मीट क्यूट एकदम हीरे की तरह छुपी हुई वेब सीरीज है ये सोनी लिव पर। इस तेलुगु एंटोलॉजी की हिंदी डबिंग बहुत अच्छी है। एक सीरीज में आपको 5 अलग अलग शॉर्ट फिल्म देखने मिलेंगे। रिलेशनशिप को इतना खूबसूरती से मैंने आज तक कभी नहीं समझा। कोई कहानी अगर आपसे रिलेट हो गई तो आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। मेरा फेवरेट एपिसोड कटप्पा वाला, जिसमें मैरिज के रिलेशनशिप को खूबसूरती से दिखाया। सीरीज में पूरा कॉन्वर्जेशन भरा हुआ है और कुछ जगहों पे कैरेक्टर्स ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं एक दूसरे से। हजम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको फील गुड की गारंटी फैमिली के साथ 100% मिलेगी। एक्शन। अगली वेब सीरीज भाई साहब मेरा गिल्टी प्लेजर है। सीरीज के बाद मैं प्राउडली कन्फेस करना चाहूंगा, मैंने भी सिंगल स्क्रीन के उस बड़े पर्दे पर बी ग्रेड एडल्ट मूवीज देखी है। आउच करने वाली फिल्में दिखाओ तो पागल हो जाते हैं। एकदम हटके 2023 की 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ सिनेमा मरते दम तक। पहले तो इस डॉक्यूमेंट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही बोल्ड और यूनिक है। 4 बी ग्रेड मूवीज के डायरेक्टर को एक मौका देते हैं उसी 20 साल पुराने रेट्रो स्टाइल में बी ग्रेड मूवीज बनाने। कम से कम बजट में कास्टिंग कैसी होती है, शूट कैसे करते हैं, बिहाइंड द सीन्स क्या है, इतना खुल्लम खुल्ला बिहाइंड द सीन्स नहीं देखा होगा। सीरीज पूरी कोशिश करती है आपका नजरिया बदलने की बी ग्रेड मूवीज पर, और उस जगह पर ये रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री मुझे कुछ जगहों पर नाटकीय रूपांतर या फिर ओवर ड्रामेटिक लग रहा था। वेल, जिस तरह की बी ग्रेड फिल्म ये लोग बना रहे हैं वो भी थोड़ी ओवर ड्रामेटिक है। 6 एपिसोड्स थोड़े लंबे लगेंगे, 40 मिनट्स ईच। पुरानी यादें अगर ताजा करनी है तो ये वॉच अलोन वेब सीरीज मस्ट वॉच है। क्या आप फिर से गुल्लक वेब सीरीज का नॉस्टैल्जिया चाहते हैं, जहां कहानियां नहीं लेकिन इस परिवार की किस्से देखने मिलेंगे? तो ये है आपके घर का नक्शा। इस नक्शे में मेरा सेपरेट बाथरूम तो है। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ फैमिली ड्रामा होम शांति एकदम लाइट हार्टेड वेब सीरीज है। सुकून महसूस होता है हर एक एपिसोड के बाद। सुप्रिया पाठक और मनोज बावा जैसे ग्रेट एक्टर्स, इनमें आपको अपने माँ बाप 100% दिखेंगे। हर एक एपिसोड का घर से जुड़ा नया किस्सा और नया कैरेक्टर दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। कैसे ये परिवार अपना इमोशन लगाकर पूरा घर तैयार करता है, पता नहीं क्यों मुझे इनका घर अपने घर की तरह लग रहा था। चलिए टॉप 2 सीरीज से पहले इस वीडियो पर एम करते हैं 8000 लाइक्स का नेक्स्ट पार्ट के लिए। जब ईमानदारी की लाइफ ने रास्ते लाया तो फर्जी तरीके से इतने पैसे छापने वाला है अपना सनी कि उसी रास्ते को खरीद लेगा। साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े। 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ 1 आवर लंबे एपिसोड हाल ही में रिलीज हुई फर्जी। ये जो 1 आवर लंबा लेंथ है ये कई लोगों को बहुत खटकने वाला है। ऊपर से शाहिद कपूर का डोमिनेंस और उसे डोमिनेट करने वाला कोई मजबूत कैरेक्टर नहीं। स्टोरी सिंपल और प्रिडिक्टेबल है, लेकिन अंदर के ट्विस्ट आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। एक तरह से राज एंड डीके की तरफ से फैमिली मैन का एक्सटेंशन कह लो आप इसे। पहले एपिसोड से ही शाहिद कपूर की डोमिनेंस और परफॉर्मेंस और सीरीज के छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न आपको पूरी तरह बांध के रखेंगे। सीरीज का स्क्रीन प्ले कुछ ऐसा है कि छोटी सी छोटी चीजों को लंबा एक्सप्लेन करती है, जिस वजह से आप पूरे 8 एपिसोड्स कनेक्टेड रहते हो। गालियां बहुत ज्यादा है, एडल्ट सीन एक भी नहीं, 2-3 किसिंग सीन है। अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल सीरीज, 100% मस्ट वॉच है। उपहार सिनेमा थिएटर हॉल में आग लग चुकी है। बाहर से दरवाजा बंद, अंदर लोग चल के मर रहे हैं, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, किसी अथॉरिटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी बच्ची को खोने के बाद इंसाफ के लिए खड़े होते हैं ये माँ बाप। सिस्टम से लड़ते लड़ते इनकी जो हालत होती है वो देख कर आपका खून खोलेगा, अंदर से गुस्सा आएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना। इतना हाईली इन्फ्लुएंस कर देगी ये सीरीज आम आदमी, जो अकेला कुछ नहीं लेकिन एक साथ ये पूरे सिस्टम को कैसे हिलाते हैं ये वेब सीरीज सबूत है। कम से कम बजट में ऑडियंस पे डीप इम्पैक्ट सिर्फ इंडियन वेब सीरीज ही डाल सकती है। राजश्री देशपांडे की एक्टिंग भाई साहब, ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड, हमें पता है एंड में क्या होगा, लेकिन फिर भी आप हर एक एपिसोड के बाद आगे और कितनी सिचुएशन वर्स्ट होगी, कब कमबैक आएगा इनका। 7 एपिसोड्स 45 मिनट्स ईच नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल, थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ऐसे ऐसे सीन्स है 2023 की ट्रेल बाय फायर। Netflix की हिंदी डब वेब सीरीज के लिए राइट वाले वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।